इंटरेस्ट रेट का हमने रिस्क स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया और उसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स थे रिस्क था लिक्विडिटी था या इनकम टैक्स ट्रीटमेंट था अब हम डिफरेंट बॉन्ड्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होने की एक दूसरी रीज़न है उसकी तरफ चलते हैं और इस पर हम तीन से चार लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स बॉन्ड्स के ऊपर किस वजह से और डिफरेंट हो सकते हैं और वो दूसरी वजह क्या है

स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट यह है कि टर्म टू मेच्योरिटी अगर डिफरेंट हो जाए बॉन्ड्स की तो फिर चाहे उनकी लिक्विडिटी सेम हो उनका रिस्क स्ट्रक्चर सेम हो उनकी इनकम टैक्स या ट्रीटमेंट सेम हो हर हाल में उनके प्राइसेस जो हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी बावजूद इसके कि ये तीनों के तीनों जो फैक्टर्स मैंने पहले आपसे डिस्कस कर लिए वो एक जैसे ही क्यों ना हो तो फिर किस वजह से चेंज होंगे टाइम टू मेच्योरिटी की वजह से कि अगर टाइम टू मेच्योरिटी डिफरेंट है तो फिर उनकी प्राइसेस बॉन्ड्स की डिफरेंट हो सकती हैं भले उनका रिस्क एक जैसा हो लिक्विडिटी एक जैसी हो इनकम टैक्स ट्रीटमेंट एक जैसा हो अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यील्ड कर्व जब हम टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट में आते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है यील्ड कर्व तो उसको भी हम साथ ही डिस्कस करेंगे यील्ड कर्व क्या चीज है इट इज अ ग्राफ ऑफ यील्ड्स ऑन बॉन्ड्स विद डिफरेंट टर्म्स टू मेच्योरिटी विद सेम लेवल ऑफ रिस्क लिक्विडिटी एंड इनकम टैक्स इसका मतलब यह है कि यील्ड कर्व एक ग्राफ है जो डिफरेंट बॉन्ड्स की जिनके बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हो रिस्क एक जैसा हो इनकम टैक्स ट्रीटमेंट एक जैसा हो लिक्विडिटी एक जैसी हो ऐसे बॉन्ड्स का जब उनकी टर्म टू मेच्योरिटी डिफरेंट हो तो यील्ड डिफरेंट बॉन्ड्स की और सामने हॉरिजेंटल एक्सेस पे रख दें टर्म टू मेच्योरिटी यानी कि टर्म टू मेच्योरिटी वन ईयर है तो फिर कितना यील्ड है अगर टाइम टू मेच्योरिटी टू ईयर है तो फिर कितना यील्ड यील्ड है 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 ईयर तो तो कितना यानी कि टर्म टू मेच्योरिटी के अगेंस्ट यील्ड को ग्राफ कर देना ये कहलाता है यील्ड कर्व तो यील्ड कर्व जो होता है इट डिस्क्राइब्स टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट अब समझ रहे हैं टर्म स्ट्रक्चर क्या होता है टर्म स्ट्रक्चर ये होता है कि इंटरेस्ट रेट टर्म टू मेच्योरिटी की वजह से डिफरेंट हो सेम जो फीचर के बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर बॉन्ड बिल्कुल सेम नहीं है बिल्कुल सेम होंगे तो फिर तो इंटरेस्ट रेट सेम हो गया ना हम ये कह रहे हैं कि उनके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने रिस्क स्ट्रक्चर में पढ़े वो एक जैसे हैं लेकिन उनका टाइम टू मेच्योरिटी डिफरेंट है तो टाइम टू मेच्योरिटी डिफरेंट होने की वजह से जो इंटरेस्ट रेट पे फर्क पड़ता है बॉन्ड्स के इसको कहते हैं टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट वो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का और इससे आगे तीन और लेक्चर्स का तो हम ये देखते हैं कि शेप ऑफ यील्ड कर्व क्या होती है और वो क्या बताती है जो आ, शेप है यील्ड कर्व की वो ये हो सकती है कि यील्ड कर्व पॉजिटिवली स्लोप अब हॉरिजेंटल एक्सिस पे पहले कम मेच्योरिटी के बांड्स होंगे फिर ज्यादा फिर ज्यादा मेच्योरिटी टाइम बढ़ता जाएगा और पॉजिटिवली स्लोप का मतलब है ऊपर से यील्ड भी बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव स्लोप होने का मतलब है कि जिनका शॉर्ट टाइम है मेच्योरिटी में उनके ऊपर रिटर्न कम है और जिनका लॉन्ग टाइम है मेच्योरिटी में अभी उनके ऊपर रिटर्न ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट इज ओवर एंड अबव आर इट इज़ हायर देन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट अगर यील्ड का फ्लैट हो जाए तो इसका मतलब है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट या कम मेचोरिटी वाले बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा टाइम की मेच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट जो हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे हो गए हैं तभी यील्ड कर्व फ्लैट हो गए यील्ड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है वो हाई है और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट लो है या शॉर्ट मेचोरिटी के जो बॉन्ड्स हैं उनका रिटर्न हाई है और लॉन्ग मेचोरिटी के जो बॉन्ड्स हैं उनका इंटरेस्ट रेट जो है वो लो हो गया अब हम कहते हैं कि हम ऑफ ऑफ टर्म स्ट्रक्चर इंटरेस्ट रेट पे जाएंगे यानी कि टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंट टाइम्स पे क्यों डिफरेंट होता है इसकी हम थेरी पढ़ेंगे तो इससे पहले कि कोई स्पेसिफिक मैं शुरू कर दूं मैं आपको पहले यह बताता हूं कि जो भी थेरी आप पढ़ेंगे चूंकि हम दो से तीन थे डिस्कस करेंगे टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट की तो याद रखें किसी टॉपिक पे किसी इशू से रिलेटेड थेरी पढ़नी हो तो थेरी किसी फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए होती है कोई ऐसी चीज जो आप दुनिया में ऑब्जर्व करते हैं वो फैक्ट होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए थेरी होती है तो ये जरूरी है कि पहले आप क्लियर कर लिया करें कि वो कौन से फैक्ट्स हैं वो कौन से रिसर्च क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर इस थेरी ने करना है तो हम थेरी पढ़ने लगे हैं टर्म स्ट्रक्चर की उससे पहले हम वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने लगे हैं जिनको आंसर इस थे करना है वो फैक्ट्स आइडेंटिफाई करने लगे हैं जिनको इस थे एक्सप्लेन करना है तो तीन किस्म के फैक्ट्स हैं यील्ड कर्व से रिलेटेड या डिफरेंट टर्म टू मेच्योरिटी के जो बॉन्ड्स हैं उनके इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड तीन फैक्ट्स हैं फैक्ट नंबर वन इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिफरेंट मेच्योरिटी बॉन्ड्स मूव टूगेदर ये आप एम्पेरिकली देख सकते हैं आप जिंदगी में फाइनेंशियल मार्केट से जाएं उनसे डेटा लें या उनकी मूवमेंट देखें तो आपको बड़ा क्लियर नजर आएगा कि डिफरेंट मेच्योरिटी के बॉन्ड्स होंगे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सब पे बढ़ना शुरू हो जाता है कम होता है तो सब पे कम होना शुरू हो जाता है तो डिफरेंट मेच्योरिटी के बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट पैरल या साइमल्टेनियसली मूव करता है एक ही डायरेक्शन नंबर टू दूसरा फैक्ट व्हेन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इज लो अपवर्ड स्लोपिंग एंड वाइस vice वर्सा इसका मतलब यह है कि अगर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट लो हो तो ज्यादा चांसेस फिर अपवर्ड स्लोपिंग होगा क्योंकि उसकी रीजन है फिर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट हाई होगा अगर शॉर्ट टर्म लो है तो लॉन्ग टर्म हाई होगा इसका मतलब है yield curve अपवर्ड स्लोपिंग होगा अभी खैर रीजन पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे अभी तो मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं जो आप फाइनेंशियल मार्केट में लेके जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं फैक्ट नंबर थ्री क्या है वो ये कहता है कि यील्ड कव ऑलमोस्ट ऑलवेज स्लोप अपवर्ड फैक्ट टू तो ये कहता है ना कि जब शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट लो हो तो यील्ड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है फैक्ट थ्री ये कहता है कि ये बात अपनी जगह सही है लेकिन देखा यह है कि यील्ड कर्व ज्यादातर पॉजिटिवली ही होते हैं बहुत कम चांस है कि फ्लैट हो या नेगेटिवली स्लोप्ट ज्यादातर पॉजिटिवली ही होते हैं ये भी एक फैक्ट अब इसको भी हमने एक्सप्लेन करना है

जिस पे रिटर्न ज्यादा हो वो उसकी तरफ चले जाएंगे यही रीजन है कि जब परफेक्ट सब्सटीट्यूट हो और उनमें से एक का रिटर्न ज्यादा और लोग उसमें चले जाए तो इसको हम कहते हैं कार्नर सोल्यूशन कार्नर सोल्यूशन का मतलब यह है कि लोग फिर सारा का सारा पैसा सारे के सारी अमाउंट उसी एक बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे क्योंकि परफेक्ट सब्सटीट्यूट हैं तो जिसका रिटर्न ज्यादा है सारी की सारा पैसा उसी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं कार्नर सोल्यूशन यानी कि इंटीरियर सोल्यूशन नहीं है किसी दूसरे बॉन्ड में फिर इन्वेस्टमेंट होगी ही नहीं इस थेरी के मुताबिक अब हम पढ़ लेते हैं इस थेरी की स्टेटमेंट क्या है इस थेरी की स्टेटमेंट यह है कि इंटरेस्ट रेट ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड इज एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इंटरेस्ट रेट या एक्सपेक्टेड फ्यूचर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट ठीक है या ऑन इंटरेस्ट रेट ऑन शॉर्ट टर्म बॉन्ड ओवर द लाइफ ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड यानी कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड की लाइफ है मसलन पांच साल है तो अगले पांच साल के दौरान जो फ्यूचर में शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट आएंगे अगर आज आप उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लें तो उन पांचों की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो आज लॉन्ग टर्म बॉन्ड की जो इंटरेस्ट रेट है उसके इक्वल होगा इसका हम एग्जैक्ट फार्मूला भी पढ़ेंगे वो लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में उसका फार्मूला डिराइव करेंगे लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप ट्रांसमिशन चैनल में पहले भी पढ़ चुके हैं तो ये आपको याद हो जाना चाहिए कि एक्सपेक्टेशंस थ्योरी के मुताबिक जो शॉर्ट टर्म फ्यूचर के बॉन्ड्स uh, के शार्ट टर्म बॉन्ड्स जो हैं या शॉर्ट मेचोरिटी के बांड्स उनके जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट रेट्स होते हैं अगर आप उनका एवरेज ले लें तो जो इस वक्त लॉन्ग टर्म बॉन्ड उसी टाइम के लिए चल रहा है उसका इंटरेस्ट रेट उसके इक्वल होना चाहिए उस एवरेज के